हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुना देता हूँ कि मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आपके लिए मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है, ट्रेड फॉर ऑल। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है इस वीडियो का। लिंक को क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि लाइव मार्केट में जब भी मैं स्ट्रीमिंग करूं यूट्यूब में आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और गलती से भी बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 3 महीना तक हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, सभी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में हैं और ये चार्ट डेली का है और लास्ट देख रहे हैं ये कैंडल थोड़ा नेगेटिव जरूर दिख रहा है लेकिन ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में फ्राइडे के दिन ही अपडेट किया था कि मार्केट नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग ये लोअर लेवल में अच्छा बाइंग आया है, ठीक है, तो इसमें फियर करने की कोई बात नहीं है। निफ्टी से ज्यादा मजबूत अब बैंक निफ्टी हो गया है क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने अवकाश में आ गया है, ठीक है। काफी दिनों से इसे दबा के रखे थे, अब भाई साहब 38,000 का टारगेट टेस्ट कर लिया तो टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए और ये अच्छा होता है, हेल्दी होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 मिनट के चार्ट में। अगर 5 मिनट के चार्ट में देखें हम लोग, ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट डे आप लोगों को बताया था कि मॉर्निंग में अगर एक गैप अप ओपन हो जाएगा, मेरा व्यू था कि थोड़ा नीचे ट्रेड करे, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर गैप अप ओपन हो गया तो ऊपर से शॉर्ट करो ना करो, लेकिन इस भाव के आसपास मिले या इस भाव के आसपास मिले, बाइंग करने के लिए डरना मत, जरूर करना। आपको यहां से भी एक मौका मिला शानदार और अगर आपने इस लेवल को देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था 37,500 से लेकर 37,250 का रेंज, 250 पॉइंट का रेंज आपके लिए सपोर्ट के जैसा काम करते हुए दिखाई देगा। देखिए इमीडिएट लेवल से सपोर्ट बना के कंटिन्यू ऊपर गया है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि नेक्स्ट डे के लिए इसमें शॉर्ट का पोजिशन नहीं बना है। अगर शॉर्ट का पोजिशन होता तो ऊपर से नीचे आ गया होता या जो फर्स्ट टाइम यहाँ नीचे आया इसी लेवल में ट्रेड किया होता तो हम लोग इसमें शॉर्ट देख सकते थे। इसमें आप शॉर्ट नहीं देख सकते कल के दिन पे, ठीक है। हाँ, किन्हीं कारण से अगर एक गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मे भी हो सकता है, ठीक है, कि मान लीजिए 37,500 के बिलो ओपन होता है तभी ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉइंट रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करने लगेगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए ये पॉइंट इसके लिए सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा, ये पॉइंट इसके लिए सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर मार्केट इधर से ओपन होके नीचे आता है तो ऑलरेडी ये 300-400 पॉइंट नीचे ट्रेवलिंग कर चुका होगा तो इसके नीचे मार्केट गिरेगा नहीं। आपको 37,500 या 37,450 ये रेंज ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिए, यहाँ पर जो भी बुलिश कैंडल दिखे इस टाइप का, ओके इस टाइप का, यहाँ से बाइंग आएगा। 150 पॉइंट के एसएल रख के आप यहाँ पर फ्यूचर बाइंग करके जा सकते हैं, राइट, और उसमें क्या करें, एक कॉल सेल कर दें अपर साइड का, ठीक है, एक मतलब ओटीएम कॉल सेल कर दें, आपका स्टॉप लॉस जहाँ 100 रुपया लगाना पड़ेगा वो 50-40 रुपये में काम चल जाएगा, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नॉइस हो रहा है दोस्तों, आज गणेश विसर्जन की वजह से पप्पा जी का विसर्जन हो रहा है तो थोड़ा नॉइस हो रहा है, ओके इसे इग्नोर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए इस भाव में ओपन होके ये नीचे नहीं जाता है तो समझिए ये पॉइंट रेजिस्टेंस बनेगा अपर साइड में 38,050 ओके या 100 का लेवल, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर हम लोग बाइंग नहीं कर सकते, यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो नजर रखिएगा अगर टॉप से नीचे आता है तो हमें इस भाव से बाइंग करना चाहिए, मतलब अगर गैप अप ओपन होता है या पहले कैंडल ओपन होके ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो आपको इस भाव में बाइंग करने का मौका मिलेगा। 37,750 का रेंज है या 700 का रेंज मिलेगा, ओके। गैप अप ओपन होता है तो किसी भी कारण से बाइंग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऊपर जाने का फिर इसके लिए स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है, आपके लिए स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे आए तो बाइंग करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ भी ओपन होके नीचे आए, यहाँ भी कोई बुलिश कैंडल दिखे तो बाइंग करना चाहिए, अच्छा ट्रेड बन सकता है, आपको नजर रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों निफ्टी का वो चार्ट कैसा बन रहा है, निफ्टी में कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है लेकिन बहुत वीक नहीं है, नजर रखिएगा। लोअर साइड में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आने वाले दिनों के लिए ये भाव, ठीक है, मतलब 17,400-17,450 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम लोग इसका 5 मिनट का चार्ट देखें तो लोअर साइड में हमें इस पॉइंट के आसपास सपोर्ट नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट यहीं से रिवर्स किया है, ओके, ये पॉइंट का रेंज इसके लिए सपोर्ट का है स्ट्रॉन्ग। कल कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा,
अगर मॉर्निंग में यहाँ पर 10-15 मिनट रुक जाता है मार्केट, आधा घंटा रुक जाता है, ठीक है, फिर आसपास का नया हाई बनाए ना, तभी इसे बाइंग करना चाहिए। ओके, पर बाइंग करने का लेवल क्या हो सकता है, 17,600 के आसपास का। ओके, और ऐसे कंडीशन में 17,550 का आसपास का एसएल रखना पड़ेगा। यहाँ पर 10-15 मिनट अगर मार्केट होल्ड कर जाए फिर निकले तो आप बाइंग करके जा सकते हैं, वीक नहीं है बाजार। ओके, अपर साइड में टारगेट अगेन आपको 17,700 या फिर 17,680-90 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है, अपर साइड का ट्रेड। अच्छा ट्रेड हो सकता है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो अच्छा लेवल मिल सकता है। डाउन साइड में मार्केट में बाइंग करने में डरना नहीं चाहिए, मुझे लगता है अच्छा चार्ट हो सकता है। ओके, तो लोअर साइड में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं जल्दी इसमें शॉर्ट करने के इरादे पे नहीं हूँ। एक पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये वीक होगा, इसके नीचे 17,500 के नीचे वीक होगा, उससे पहले वीक नहीं होगा। ये पॉइंट इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस भाव के आसपास शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये पॉइंट ब्रेक डाउन करता है तभी मार्केट लोअर साइड में इधर जाएगा, मतलब 17,400 की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोअर साइड में यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ओके, किसी कारण से गैप अप ओपन होता है, मान लो 17,700 की तरफ ओपन होता है, फिर लोअर साइड में आए 17,500 के आसपास आएगा, तो नो डाउट एक अच्छा ट्रेवलिंग कर चुका होगा मार्केट। तो बॉटम के आसपास है, जहां भी इसमें पॉजिटिव कैंडल मिलेगा बाइंग का ट्रेड अच्छा आते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा निफ्टी का चार्ट, मैं शॉर्ट की तरफ थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, लोअर बॉटम से बाइंग करने के इरादे में हूँ। ठीक, कुछ पॉइंट और अपडेट होगा लाइव मार्केट में तो टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, मैंने इसमें ट्रेड दिया हुआ है आप लोगों को बीटीएसटी और इंट्राडे में कल मतलब फ्राइडे के दिन मैं 2-3 बार आपको ट्रेड दिया। मैं जैसे आप लोगों को बताया था एक बीटीएसटी ट्रेड दिया था, यहाँ पर हम लोग आप लोगों को मैंने ट्रेड दिया था, देखिए ओपन अच्छा मिला, आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर भी ट्रेड देना चाहा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा नीचे इस भाव पे मिलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। देखिए इस भाव पे आया तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड दिया था, जब एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रहा था, तो इसके बाद एक अच्छा ट्रेड मिला। और जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आता तो यहाँ पर फिर से बाइंग आता है, यहाँ से फिर ट्रेड लिए थे, हमको फिर एक 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, यही तो चाहिए और क्या चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरा। देखिए हमें एक बार यहाँ पर नहीं मिलेगा दोबारा, हमें फर्स्ट टाइम सपोर्ट मिलता है ट्रेड, ठीक है, फिर स्पीड में नीचे आ गया। मैं आप लोगों को दिन में ही बताया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बीटीसी ट्रेड दिया है। कल के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर बीटीएसटी ट्रेड जो लिए हो, ठीक है दोस्तों, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 23,370 के बिलो इसे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज क्लोज करना पड़ेगा, हेज करके हम लोग ट्रेड लिए हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत लॉस मिलेगा, क्लोज करना पड़ेगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ ओपन होके यहाँ तक जाता है, इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज करके ट्रेड करता है, नया लो बनाता है, एक कैंडल आ सकता है 5 मिनट के चार्ट में, दूसरा कैंडल लो ब्रेक करे तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो पोजीशन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे की तरफ आता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो नो डाउट यहाँ से बाइंग आएगा। मैं आपको यहाँ पर ट्रेड दिया था, फिर कितना बड़ा मूवमेंट आया था, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको और अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे रख सकते हैं इस लेवल में, लेकिन इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं, कल के लिए ट्रेड हम लोग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अगर इसका ओपनिंग इसी भाव से ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है तो नो डाउट यहां से अपर साइड में अगेन मूव करने वाला है। मतलब एक 23,95 के आसपास अगर बुलिश कैंडल मिलता है तो हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और 23,80 का एसएल रख लीजिएगा, फ्यूचर बाइंग करके जा सकते हैं, विथ हेजिंग कर लीजिएगा। हेजिंग का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया बताया, मैं वीडियो शेयर किए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ओटीएम कॉल को सेल कर सकते हैं, और अपर साइड का टारगेट अगेन 24,20-25 की तरफ देख सकते हैं। इस स्टॉक को कंटिन्यू रखो, इसको रखो भारतीय एयरटेल को, आने वाले दिनों में आपको कंटिन्यू ट्रेड देते रहेंगे। तो दोस्तों ये हुआ रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट। नेक्स्ट स्टॉक है भारतीय एयरटेल, इस स्टॉक को भी नजर रखिए। देखिए कल के प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है, ओके, और मैंने आप लोगों को दिन में ट्रेड दिया था इसमें भारतीय एयरटेल में, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करके, ओके, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गए, एक अच्छा ट्रेड मिला होगा आप लोगों को, ऐसी ट्रेड बनता है दोस्तों। इस स्टॉक को नजर रखो और इसका पॉइंट इधर नोट करके रखो, ठीक है, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ इसे आप नोट करके रखिए, 715 से लेके 10 तक का ये स्ट्रॉन्ग बाई रेंज बनेगा इसके लिए, राइट।
अगर गलती से मार्केट इधर मिलता है जरूर बाइंग करना चाहिए विथ हेजिंग, फ्यूचर बाइंग कर लीजिए और ऊपर का कोई ओटीएम कॉल सेल कर दीजिए हेजिंग करने के साथ साथ, ठीक है। या फिर आप कैसे बाइंग करते हैं तो 7-8 पॉइंट कैसे रख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको बाइंग इस रेंज में करना चाहिए, अच्छा रेंज हो सकता है, ओके, नजर रखिएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखिए, 2 दिन हो गया है साइडवेज में ट्रेड करते हुए, अगर इस बार ब्रेकआउट करेगा तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा नहीं है, ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, तो इसे बाइंग करना चाहिए अपर साइड में 735-736 के ऊपर, कोई कैंडल 5 मिनट का क्लोज कर जाए, ठीक है, ऐसा फिर दूसरा कैंडल ब्रेकआउट करे इस कैंडल को तब बाइंग करके जाए, और ऐसे कंडीशन में 6 से 7 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, टारगेट आप रख सकते हैं 12 से 13 पॉइंट का, एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है अपर साइड में भारतीय एयरटेल में, मतलब 750 की तरफ टारगेट दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने आप लोगों को अपडेट किया है टेलीग्राम चैनल में, मदरसन सुमी, स्विंग में लेके जाइए, टारगेट आपको इधर बनने वाला है, ठीक है, मतलब 250 की तरफ बनने वाला है, बहुत बेहतरीन कैंडल बना है, नजर रखिए, देखिए बहुत ही शानदार कैंडल बना हुआ है, इसे मुझे लगता है बाइंग करके जाना चाहिए, स्विंग में लेके जाना है तो आप 220 का ही आसपास का एसएल रखना पड़ेगा, 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, ट्रेड आपको अच्छा देके जा सकता है, ओके। आने वाले दिनों में ऑटो इंडस्ट्री ज्यादा चला नहीं है, पीएलआई स्कीम भी आया हुआ है, तो ऑटो इंडस्ट्री में स्टॉक्स में काफी पोटेंशियल रहेगा अपर साइड जाने के लिए। दोस्तों 5 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए इसके ऊपर, ठीक है, फिर आप इसके ऊपर ब्रेकआउट फाइंड आउट कर लीजिए, फिर जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो आपको बाइंग करना चाहिए 224 के ऊपर, 224 के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बात को, आप पूरा समझिएगा, जब तक 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अपर साइड का टारगेट अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो 227 से लेके 29 के आसपास का ट्रेड, 30 के आसपास का ट्रेड दिखा सकता है, ऐसे कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा, 221 का स्टॉक लॉस के साथ इसमें बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है इंट्राडे में, मॉर्निंग में नजर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों मारुति सुजुकी, देखिए इसको मैंने ट्रेड दिया था आप लोगों को लास्ट डे भी, ओके, बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा आपको, एक अच्छा प्रॉफिट देके गया होगा, फिर दोबारा भी रीटेस्ट करने के लिए आया अपने लेवल में, देखिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ मिस हो जाए तो दोबारा इस भाव में आएगा तो आपको इमीडिएट बाइंग करना चाहिए, ठीक है, लेकिन थर्ड टाइम नहीं आएगा, अगर थर्ड टाइम आता है यहाँ पर सपोर्ट करके चले जाए तो ठीक, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा ठीक है तो फिर नीचे इधर चला जाएगा मार्केट, ओके, तो कल के दिन पे इसे कैसे ट्रेड कर सकते हो, नजर रखिए ये पॉइंट को, आप सपोर्ट फाइंड आउट कर लीजिए और लेवल क्या होना चाहिए 6950 का, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, अगर मार्केट इधर आता है तब भी आपको बाइंग देके जाएगा, यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाइंग कब करना चाहिए, जब कोई कैंडल रेड कैंडल के साथ नीचे आते रहे, पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मैं आपको जैसे कैंडल बनेगा वैसे पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे कैंडल आ रहा है तो आप इस भाव में वेट करिए, ठीक है, मैं सेम लेवल में बनाने के लिए कोशिश करता हूँ, जैसे नीचे आता है एक कैंडल को आप वेट करिए, तो क्या होगा कि दूसरा कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, मान लो यहाँ से कंटिन्यू नीचे आके फिर से ग्रीन कैंडल जैसा बनना शुरू करे आपको इसे बाइंग करना चाहिए, क्योंकि अगर रिवर्स करेगा ना तो इस टाइप का रिवर्स कर जाएगा, बड़ा कैंडल बन जाएगा, तो जैसे ग्रीन कैंडल बनता है आपको रिवर्स करने के लिए शुरुआत करते हैं, आपको बाइंग करना चाहिए अपर साइड में, टारगेट अगेन इधर देखेंगे आप तो ये लेवल बहुत अच्छा बनेगा, और ऐसे कंडीशन में जो कैंडल रिवर्स कर रहा है सेम कैंडल के लो का एसएल या फिर मैक्सिमम एसएल, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम एसएल 6930 का रखना चाहिए, जब आप यहाँ पर 50 के आसपास बाइंग करते हैं 60 के आसपास बाइंग करते हैं तब, देखिए बॉटम फिशिंग बता रहा हूँ और ये बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है आज के दिन पे, आजकल बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है बॉटम के आसपास, मैं कई दिनों से आप लोगों को बोला हूँ और लाइव मार्केट में अपने स्टूडेंट को ट्रेड कराता हूँ 2800 के आसपास, HDFC लिमिटेड को आप उसका चार्ट खोल के देखिए, जब भी 2800 के आसपास आता है वहां से बाइंग आता है और 20-25 पॉइंट ऊपर चले जाता है, बस इतनी तो चाहिए इंट्राडे में, ओके 5-6 पॉइंट कैसल बनता है, तो आपको एक ट्रेड इस तरीके से देखे जाने वाला है, अगर दोस्तों मॉर्निंग में इस पॉइंट के ऊपर निकल जाता है 7050 के ऊपर, ओके 7050 के ऊपर निकल जाता है तो आपको अच्छा ट्रेड देके जाएगा, नजर रखिएगा ऐसे कंडीशन में आपको 7000 का एसएल रखना पड़ेगा, अपर साइड में बाइंग कम से कम 150 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हैं, ठीक है 50 पॉइंट के एसएल रख के आप 150 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, अच्छा ट्रेड बन सकता है, मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, अपर साइड में अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, आने वाले दिनों में आप इसको होल्ड कर सकते हैं स्विंग के लिए, टारगेट आपका इधर बनने वाला है 7700 की तरफ,
इधर जाने के लिए तैयार हो चुका है। हो सकता है कल के दिन पे ब्रेकआउट ना आए, यहीं पर रुक जाए, तो नेक्स्ट डे ब्रेकआउट आएगा। बट ये ब्रेकआउट आएगा, इसे आप कंटिन्यू वॉच लिस्ट में रखिए। जो स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया उसे कंटिन्यू वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे मैं HDFC को लगातार रखता था, ठीक है अभी छोड़ दिया हूँ, भारतीय एयरटेल को लगातार रखता हूँ क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। भारतीय एयरटेल तो मुझे लगता है 700-800 के भाव जल्दी दिखा देगा अपर साइड में। ओके, तो कंटिन्यू ऐसे स्टॉक में जब ब्रेकआउट मिल जाए तो कंटिन्यू उसे फॉलो करिए। ओके, अच्छा ट्रेड देके जाएगा। मैं एक ट्रेड दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जो मैंने मैं ट्रेड लिया था लास्ट डे भी आप लोगों को बताया था। एक ट्रेड मैं लिया था, ये है, ये मेरा दूसरा डीमैट है, ठीक है, ये मेरा दूसरा डीमैट है। निफ्टी का पोजीशन दूसरे डीमैट में चल रहा है, उसमें लॉस चल रहा है, लेकिन हम लोग एडजस्टमेंट कर लिए हैं, डोंट वरी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लॉस हो चुका है। इस पोजीशन में भारतीय एयरटेल का पोजीशन चल रहा है ऑलरेडी, इसमें हम लोग प्रॉफिट ले चुके हैं। अभी मेरा बजाज फाइनेंस में ट्रेड चल रहा है, मैंने कॉल सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने फ्यूचर बाई करके रखा है। भारतीय एयरटेल में मैंने कॉल सेल करके रखा है और यहाँ पर मैंने फ्यूचर बाई करके रखा है, तो अभी ठीक ठाक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हम लोग अभी इसमें होल्ड कर सकते हैं, इसलिए हेजिंग करके जरूर जाएगा। विदाउट हेजिंग आजकल पोजीशन बनाइए मत, मार्केट में कितना गिरावट आ जाएगा कोई कह नहीं सकता। अभी हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग ही रहे, बड़ा गिरावट अभी तो जिस तरीके चार्ट पैटर्न बनाए मुझे लगता नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।